अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये देखिए आज आप लोग को हम बेडशीट डिज़ाइन बनाकर दिखाने जा रहे हैं। आप इसे बेबी बेडशीट, पिलो कवर, कुशन कवर, सिंगल डबल कुछ भी बना सकते हैं। देखिए मैंने दो कलर का कपड़ा लिया है, आप अपने हिसाब से तीन कलर का भी रख सकते हैं या कुछ भी अपने हिसाब से कोई भी कलर ले सकते हैं। हमने लिया है ये रेड में रखा है और हमने क्रीम कलर में लिया है। आप लोग को इसका मेजरमेंट बता दे रहे हैं। देखिए ये 5 इंच लंबाई में है, 5 इंच चौड़ाई में है, ये चारों तरफ से बराबर है, ये 4 पीस है। और ये हमारा जो रेड वाला पीस है ये 3 इंच लंबाई 3 इंच चौड़ाई, ये भी 4 पीस है। और ये जो हमारा 2.5 इंच लंबाई 2.5 इंच चौड़ाई, ये भी 4 पीस है। और ये जो हमारा है 3 इंच लंबाई 3 इंच चौड़ाई क्रीम कलर, ये भी हमारा 4 पीस है। और ये जो हमारा रेड वाला है ये 5 इंच लंबाई 5 इंच चौड़ाई, ये भी 4 पीस है। ये देखिए जो हमारा ये पीसेस है बड़ा वाला, इसको हम साइड में कर देंगे और ये छोटा वाला भी। और जो हमारा रेड वाला 4 पीस है और क्रीम कलर वाला, इसको हम कटिंग कर देंगे। देखिए इस तरीके से अच्छे तरीके से बराबर करके दोनों पीसेस की, मतलब दोनों कलर का जो पीसेस है उसको कट कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने कट कर दिया है और एक एक कर कर ज्वाइन करेंगे। ये देखिए इसी तरीके से हम एक एक पीस कर कर ज्वाइन कर देंगे। देखिए अच्छे तरीके से ये एक क्रीम कलर लेंगे और एक रेड कलर का, और अच्छे तरीके से बराबर कर कर जितना भी हमने पीसेस को कटिंग किया है उतना हम ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए हमने सिलाई कर दिया है, अब एक एक पीसेस को कटिंग कर देंगे। देखिए इस तरीके से, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना उसको भी हम कटिंग कर देंगे दोनों साइड से। ये देखिए इस तरीके से, इधर से और उधर से। ये देखिए हमने कटिंग भी कर दिया है और इस तरीके से हमें ज्वाइंट कर लेना है। देखिए इस तरीके से, देखिए इसी तरीके से हमने रख कर एक एक कर कर ज्वाइंट करेंगे। देखिए अच्छे तरीके से बराबर कर कर, देखिए हमने ज्वाइंट कर लिया है इस तरीके से। इस तरीके से हमें 4 पीस में चाहिए। देखिए इस तरीके से हमने सिलाई कर लिया है। और जो ये हमारा बड़ा वाला पीस था उसको हम एक पीस हमने ले लिया है और उसमें से देखिए इस तरीके से हमें ज्वाइंट कर लेना है अच्छे तरीके से सिलाई कर कर। ये देखिए हमने इस साइड भी और इस साइड भी हमने सिलाई कर लिया है। देखिए हमने इस साइड भी सिलाई कर लिया है। ये देखिए ये देखिए हमने दोनों साइड इसी तरीके से सिलाई कर लिया है। और जो हमारा ये वाला पीस, इसके दोनों साइड पर क्रीम कलर का जो हमारा पीसेस था 4 पीस, उसको एक एक कर कर ज्वाइंट कर देंगे। देखिए इस साइड हमने दो पट्टी पर ज्वाइंट कर रही हूँ। ये देखिए हमने दो पट्टी पर ज्वाइंट कर लिया है और इसकी कटिंग भी कर देंगे साथ में, और इस साइड भी हम ज्वाइंट कर देंगे। देखिए इस तरीके से, ये देखिए हमने इस साइड भी सिलाई ज्वाइंट कर दिया है और इस साइड भी हम इसी तरीके से रख कर ज्वाइंट कर देंगे। ये देखिए हमने दोनों साइड ज्वाइंट कर दिया है, ये हमारा दो पट्टी तैयार हो गया इधर उधर सिलाई करने के लिए। ये देखिए इसको हम इस तरीके से रखेंगे और देखिए इसको भी हम ज्वाइंट कर देंगे सिलाई कर कर। देखिए इस तरीके से अच्छे तरीके से हम बराबर कर कर सिलाई करेंगे आराम आराम से, कि जो हमारा सिलाई है सिलाई पर ही रहे, अच्छे तरीके से बैठ जाए सिलाई पर। ये देखिए हमने इस साइड सिलाई कर लिया है और सेम हमें इस साइड भी सिलाई कर लेना है। देखिए इस तरीके से, देखिए इस साइड भी हम इस तरीके से रख कर सिलाई कर लिए हैं। ये देखिए हमारा इस तरीके से हमारा पीसेस तैयार हुआ है डिजाइन। अब इसको हम इस तरीके से रखेंगे और जो हमारे पीसेस को लिया था ये वाला, ये देखो इसको अच्छे तरीके से बराबर कर कर कटिंग कर देंगे। जो हमने बड़ा वाला पीसेस को लिया था और एक एक कर कर हम ज्वाइंट कर देंगे। देखिए इस तरीके से अच्छे तरीके से बराबर कर कर, ये देखिए इस तरीके से हम सिलाई कर लेंगे। जितना भी हमने पीसेस को कट किया है सबको हम इसी तरीके से सिलाई करेंगे। देखिए एक एक कर कर, देखिए इसी तरीके से हम एक एक कर कर ज्वाइंट कर देंगे। ये देखिए हमने सिलाई कर लिया है, अब एक एक कट कर हम कटिंग भी कर देंगे साथ में, ये वाला पीस जितना भी हमारा पीस है। देखिए हम इस साइड और इस साइड भी कटिंग कर देंगे बराबर कर कर। ये देखिए हमने सिलाई कर लिया है सब पीस को, और इसके बराबर से हमने रेड का पीस इस तरीके से हमने 4 पीस में कट कर लिया है इसके बराबर से। ये देखिए हमने अब पहले से ही नहीं कट कर रखा था, ये जब हमने सिलाई कर लिया है तब हमने कटिंग किया है साथ में।
देखिए हमने सिलाई कर लिया है पूरे पीस की और साइड से हमने कटिंग भी कर दिया है इस तरह कपड़ा को। अब इस तरीके से हम रखेंगे अच्छे तरीके से बराबर कर सिलाई करेंगे। देखिए जो हमारा रेड है रेड के ही साइड रख कर सिलाई करेंगे। जितना पीस हमने सिलाई कर लिया है उस उतने पीस को हम एक एक कर कर ज्वाइंट कर देंगे। देखिए इस तरीके से, देखिए इसको भी हमने इसी तरीके से रख लिया अच्छे तरीके से बराबर कर कर और इसको भी हम सिलाई कर देंगे। जितना भी हमारा पूरा पीस है सबको हम इसी तरीके से सिलाई करेंगे। ये देखिए हमने सिलाई कर लिया पूरे पीस को, अब एक एक कर कर हम कटिंग कर देंगे। देखिए इस तरीके से, और जो हमारा एक पीस है दो पीस में हमें ये जो रेड वाला हमने पीसेस को बाद में कटिंग किया था चार पीसेस को एक एक कर कर ज्वाइंट करेंगे। देखिए इस तरीके से, देखिए अच्छे तरीके से हमें सिलाई कर लेना है। ये देखिए हमने इस तरीके से सिलाई कर लिया है इस साइड, और इस पट्टी में भी हमें दो पट्टी में इस तरीके से सिलाई करना है। ये देखिए इसमें भी हम अच्छे तरीके से बराबर कर कर सिलाई कर लेंगे इस साइड। ये दोनों साइड हमने इसी साइड पर रख कर सिलाई कर लिया है। ये देखिए हमने इस साइड पर हमने रख कर सिलाई कर लिया था, अब इस साइड पर रखेंगे। दूसरी साइड पर रख कर इसी तरीके से सेम हम सिलाई करेंगे। देखिए एक पीस हमने इस तरीके से रख लेना है अच्छे तरीके से बराबर कर कर और फिर हम सिलाई करेंगे। ये देखें, ये देखिए इस तरीके से हमें सिलाई कर लिया है, और इस पट्टी में भी हमें सेम इसी तरीके से सिलाई करेंगे। ये देखिए, और अब इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखिए हमने कटिंग कर दिया, ये हमारा दो पट्टी इस तरीके से और दो पट्टी इस तरीके से, और जो हमारा ये डिजाइन है इसके ऊपर हम रखेंगे। देखिए इस तरीके से रखेंगे और अच्छे तरीके से बराबर कर कर रख कर सिलाई करेंगे। और ये देखिए हमने इस साइड सिलाई कर लिया है और इस तरह कपड़ा को हम कटिंग कर दिए हैं, और इस साइड भी हम रख कर सिलाई कर लिए हैं। देखिए इस तरीके से रख कर सिलाई कर लेंगे। ये देखिए हमने दोनों साइड सिलाई कर लिया है और ये हमारा एक पट्टी तैयार हो गया है, और दूसरा पट्टी को हम इस तरीके से ज्वाइंट करेंगे अच्छे तरीके से हम बराबर रख लेंगे, और हम इस साइड भी सिलाई कर लेंगे। ये देखिए हमने इस साइड इस तरीके से रख कर सिलाई कर लिया है, और इस तरीके से भी हम सेम रख कर सिलाई करेंगे इस साइड भी। ये देखिए इस तरीके से हमने रखकर सिलाई किया है, और इस साइड भी हम रखकर सिलाई कर लेंगे। देखिए इस तरीके से, ये देखिए हमने इस साइड भी सिलाई कर लिया, अब इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हमारा डिजाइन बनकर कंप्लीट हुआ है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा सिलने का तरीका, और आप लोग को डिजाइन भी पसंद आया होगा। अगर आप लोग को डिजाइन पसंद आए, आप लोग खुद से बनाए, ये पूरा बेडशीट बन जाता है तो प्यारा लगता है। अगर आप लोग हमसे बनवाना चाहते हैं तो ये व्हाट्सअप नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं, मंगवाना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं। आई होप आप लोग को डिजाइन पसंद आया होगा। अगर आप लोग को डिजाइन पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें। जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें कि जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोग को पहुंच सके और आप सब देख सकें नई नई डिज़ाइन इस तरीके से। वीडियो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।